सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड शहर देहरादून में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी शाम के बज रहे हैं 7:15 और पहले तो आज दिन भर से हो रही थी बारिश। और आप लोग कैसे हो? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आज का मौसम आप लोगों से शेयर करती हूँ देहरादून का। सामने पहाड़ों में इतना साफ और सुंदर मौसम हो रखा है, यहाँ आते आते तो मेरी सांस भी फूल गई है। तीसरे मंजिल पे आ रखी हूँ और यहाँ से आपको दिखाती हूँ यहाँ का खूबसूरत नज़ारा कि कैसे पहाड़ साफ है और कैसे पहाड़ों पे बादल गिरे हुए हैं। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा देहरादून का। ये जो सामने दिखाई दे रहा है लास्ट बिल्डिंग, ये है देहरादून का सबसे बड़ा मॉल। यहाँ जा रखे थे अभी लोग, जो ओपनिंग हुई थी यहाँ देहरादून में सबसे बड़े मॉल का, उत्तराखंड का, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल है ये। यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और नीचे कमरों में तो ऐसी उमस हो रही है बहुत भयंकर, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं आई थी। तो इसलिए मैं भी यहाँ पर मैंने कहा आके देखती हूँ चल के कि यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा, मतलब यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए आई और आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो कैसे लगा यहाँ का मौसम और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा? और हमारा जो ये सामने के पहाड़ है, तो ये लक्ष्मण सिद्ध के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मण सिद्ध का पहाड़ या लक्ष्मण सिद्ध का जंगल बोलते हैं। तो यहाँ एकदम साफ हो रखा है मौसम, यहाँ की बारिश, अगर यहाँ बारिश होए तो तुरंत हमारे बालावाला में बारिश आ जाती है। ये बालावाला से थोड़ा हट के ये हर्रा वाला में आता है। ये जो सामने पहाड़ है इसे माल देवता का पहाड़ बोलते हैं। इधर गए हैं पहाड़ों को बादल ढकने लग गए हैं। देखिए अभी तक बादल नहीं थे पहाड़ों में, तब कितने बादल हो गए हैं। ये धीरे धीरे पूरे पहाड़ ढक जाएंगे बादलों से, फिर यहाँ बारिश आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ थे, सारे बादलों से ढकने लगे, बादल भी एकदम काले होने लगे हैं। ये देखिए आजकल चारों तरफ हरियाली हो रखी है हमारे घरों में। बारिश और अभी होने लगी बहुत भयंकर धूप, मौसम एकदम साफ। हम दोनों जा रहे हैं माँ बेटी
सामान लेने राशन का। मौसम फिर से हो गया है खतरनाक और हम लोग भी आ गए हैं शॉपिंग करके। और आज है मेरे वीडियो का अगले दिन, तो आज है मेरी किट्टी और मेरे पति देव बना रहे हैं यहाँ पे पकौड़ियाँ, तो कर रहे हैं किट्टी की तैयारी की है पकौड़ियाँ और बाकी बना रहे हैं यहाँ अकेले ही बना रहे हैं। चक्कू लाना चक्कू। कि आज मेरी सुबह पहले हो गई थी तबीयत खराब, पहले मेरी किट्टी थी कल सोमवार को, तो फिर सॉरी सैटरडे शनिवार को, फिर ग्रुप में सिमरन की मम्मी ने कहा संडे को करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है संडे को सबकी छुट्टी भी रहती है। लेकिन क्या हुआ कि सुबह मेरी अचानक पेट में और कमर में दर्द होने लग गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि बहुत बेकार किया, मैंने सैटरडे को ही कर देती, लेकिन आज किया तो अब थोड़ी ठीक है तबीयत। तो कल तो मैंने कुछ तैयारी नहीं करी थी, मैंने सोचा सब रेडीमेडी मंगाऊंगी, लेकिन पति देव ने मेरे संग फटाफट काम करवा दिया तो काम निपट गया, तो चलो घर में ही बना दिया, थोड़ी बहुत पकौड़ियाँ वगैरह ही बनाई, चाय वगैरह बनाऊंगी, कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। तो आज सामने छत में भी चलने लग गया है काम। आप कुछ बोलेंगे? ये नागिन है हमारी, किट्टी अगले महीने। ये उस पर आने तो झूला भी झूलने लग गया। अरे वहाँ एक बहुत खतरनाक रिवाज है कि किसी के घर जाओ तो फूलों के पौधे जरूर ले जाओ, तो ये सब इन्होंने सबने अपने अपने चोरी कर रखी है जिन्होंने, वो बता दो किस किसने कर रखा। ये देखो चोरी यही नहीं दिखेगा, आगे दिखेगा उधर उधर जो लगे हैं। तो इनको सबको फूल चाहिए, नहीं मैं भी लाती हूँ, ऐसी बात नहीं, हम एक दूसरे के वहाँ से फूल लाते ले जाते हैं, तो तभी तो कभी किसी के वहाँ खत्म हो गए पौधा तो दूसरे के वहाँ से तुरंत ले आते हैं, तुरंत ना जिसने मांग के दे दिया ठीक है, नहीं तो चोरी साफ आते हैं। चोरी कर लिया। मेरी किट्टी वाली सहेलियाँ भी चली गई हैं और अब मैं भी करती हूँ अपना घर का काम। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:05 हो रही है, यहाँ खूब जमकर बारिश। अच्छा खासा आम खा रही थी, अच्छा खासा आम खा रही थी। कहाँ जा रही है तुम्हारी टोली? जाओ हाँ को तब पार हो गया लड़ाई हो गया, ये लड़ाई भयंकर। तो इनके घूमने के ढंग लग रहे, इनके घूमने के लंग ढंग नहीं लग रहे मुझे। ए दोस्ती नीचो माँ बच्चा छी, हाँ माँ बच्चा छी।